सलाम भेजा है, तुम भी चलोगी? वाह, असलम भाई का जन्मदिन हो और मैं न चलूं? पिताजी, असलम चाचा का जन्मदिन छुट्टी वाले दिन क्यों नहीं होता? बेटे, जब असलम चाचा पैदा हुआ था ना, उस जमाने में छुट्टियां होती नहीं थी। हाँ। पिताजी, आपने कल हमें यहाँ तक के सुनाया था कि मोहल्ले वालों ने कृष्ण कन्हैया की शिकायत माता यशोदा से की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ बेटे कि माता यशोदा ने कृष्ण को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि देख कन्हैया, सारे मोहल्ले वाले तेरे से तंग आ गए हैं, बोल तूने उनका माखन चुरा कर क्यों खाया, बोल माखन चुरा कर क्यों खाया। तो कृष्ण कन्हैया बोले, मैया मोरी मैं नहीं माखन
बस क्या दुआ। माफ करना भाभी, ये काम आपका नहीं है। आप तो मेरे शोहर की सालगिरह पे आई हुई मेहमान है। आपके शोहर मेरे भी तो भाई हैं। और भाई के जन्मदिन पर मेहमानों की सेवा करना बहन का पहला अधिकार होता है। हाँ याद आ गया। हाँ तो शेरर साहब के क्यों किसी से वफा करे कोई, क्यों किसी से वफा करे कोई, दिल न माने तो क्या करे। के मुफलसी में मिजाज शाहाना, मुफलसी में मिजाज शाहाना, किस मर्द की दवा करे। और क्या सुनो दादा, हंस भी लेता हूँ ऊपरी दिल से, हंस भी लेता हूँ ऊपरी दिल से, जी ना बहले तो क्या करे कोई। हाई 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 हाई, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। शरबत दियो। हाँ भैया। असलम भाई मैं इजाजत चाहता हूँ। अभी कुछ देर तो और बैठो चरणदास। जरूर बैठता मगर वर्कशॉप में बहुत काम है। काम तो रोज होता रहता है यार, मगर अपना हिसाब कुछ और है। रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। अपनी भाभी को बुलाओ। अच्छा भाभी जान, इजाजत चाहता हूँ। आदाब। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे भाई खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ये जोड़ी कयामत तक सलामत रहे। मेरी तो और भी दुआ है इसके साथ, आपकी और भाई साहब की दोस्ती भी कयामत तक सलामत रहे। चंदू भाई का बाजा बिल्कुल ठीक हो गया। अरे बहुत अच्छा किया। मगर ये क्या, आप रोज सुबह 9 बजे आ जाते हैं, आज शाम के 5 बज गए। अरे भाई असलम भाई का बर्थडे था आज। ट्रांसिस्टर फिर से बोलते बोलते बंद हो गया। फिर से बंद हो गया। हाँ। तो भाई अभी ठीक करता हूँ। माना नहीं क्यों, इसमें लता मंगेशकर गा रही है। ओ लता मंगेशकर गा रही है तो प्यार करते हैं। चल गया था जी। डॉक्टर का माँ फिर भी मिस, हस्बैंड किधर गया? वो भगौड़ा निकला, भाग गया, हमको डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स? यस, वो बोला तुम लड़की पैदा करता है, लड़का पैदा करो। अभी बोलो मैन, जो ऊपर वाला देगा वही हम पैदा करेगा। ये ब्लेडीफुल मर्द लोग अपना मिस्टेक कभी नहीं मानता, ऑलवेज लेडी लोग को ब्लेड करता है। हम डाइवोर्स ले लिया। हम ठीक बोला ना? बिल्कुल ठीक बोला है। बाय 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 बाय। मालिक इसकी चूड़ियां घिस गई हैं। चूड़ियां घिस गई हैं जी। हाँ
मिस आप बैठिए, जरा देर लगेगी। ओके। बीबी जी क्या बात है रामलाल? मालिक वर्कशॉप में जरूरी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है बच्चों को खाना खिलाकर सुला दीजिए, उन्हें देर हो जाएगी। अच्छी बात है। नमस्ते। देर हो गई। अरे ये बच्चे अभी तक सोए क्यों नहीं? उन्होंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। क्यों? उन्हीं से पूछ लीजिए। रेखा मोहन पाए लोगो पिताजी। जीते रहो बेटा। नमस्कार पिताजी। जीती रहो बिटिया। अरे तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? पहले कभी आपके बगैर खाया है जो आज खा लेते? अब मैं कभी देर से नहीं आऊंगा, कभी देर से नहीं आऊंगा। प्रभु ऐसी संतान सबको देना। नजाकत हुसैन और लियाकत हुसैन को बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कहाँ है वो लोग? वो लोग अंदर नाश्ता कर रहे हैं, आप भी तशरीफ ले चलिए चचा। भाई नाश्ता तो हम बाद में भी कर लेंगे, बस कव्वाली शुरू हो जाए पहले। चचा चरणदास को तो आ जाने दीजिए। चरणदास नहीं आया अभी तक, जरूर किसी काम में फंस गया होगा। भाई तकदीर मिले तो चरणदास जैसी कहां से कहां जा पहुंचा, करोड़ों में खेलने लगा। करोड़ों में खेलने वाले तो कई और भी हैं चचा, मगर अपने यार की पीठ सुन रही है। उसकी आंखों में न बाल आया है न गर्दन में तनाव। असलम भाई
आओ भाई चरणदास आओ। साल गिरा मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। आना मुझे भाभी। मगर आप अकेले भाई साहब, भाभी जी और बच्चे कहाँ हैं? हैं? अभी तक नहीं आए, एक घंटा हुआ मैंने ऑफिस से टेलीफोन किया था। तो मैं दोबारा फोन करने जाती हूँ। इसकी क्या जरूरत है भाभी जान, असलम भाई की सालगिरह हो और वो यहाँ ना आए, ऐसा कभी हुआ आज तक? असलम साहब आइए आइए, वकील साहब आइए। असलम साहब सालगिरह मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया, तशरीफ रखिए। थैंक यू थैंक यू। अरे भाई चरणदास, मियां कैसे हो? अच्छा हूँ आपकी दुआ से रहीम चाचा, आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है मियां, यहाँ तो तुम्हारा इंतजार था। अरे असलम मियां, अब वालों को क्या हुक्म है, लोग बेकरार हैं सुनने के लिए। चचा जब तक हमारी भाभी ना आ जाए कवाली कैसे शुरू हो सकती? असलम भाई ऐसा भी क्या तकल्लुफ है, वो आ ही जाएंगे। यार कुछ देर तो और इंतजार कर लो। कमाल है यार, फिर वही तकल्लुफ। रहीम चाचा कवाली शुरू करो भाई। हजरात बिस्मिल्लाह कीजिए, पर शुरुआत उसी कवाली से हो। वो क्या है वो? हाँ हाँ, इश्क का मर्तबा देख लो।
साझे का मेल हो जाता, इश्क फिर एक खेल हो जाता, सोनी को महवाल मिल जाता, मानो फिर प्यार की कसम खाता, ऐस भी लैला से जुदा होके आज तक जिंदा है फना होके, शीरी फरहाद एक हो जाते, इश्क की आग रूड हो जाते, नाम जिस चीज का मोहब्बत है बेकरारी ही उसकी दौलत है, पाश के गम का जाम है प्यारे, एक तड़प का ये नाम है प्यारे, उसने है शम्मा इश्क परवाना, ये भी दीवानी वो भी दीवाना, आग में जल गए जो दीवाने, लोग कहते हैं उनके अफसाने, जमीन पे बिछड़े जो दिल आसमान पे जाके मिले, देखने जा रहे हैं। आप भी खाना वाना खाकर आ जाइएगा, हम लोग खा चुके हैं। लेशिया, मालकिन कहाँ है? मालकिन कमरे में हज्जाम मीम साहब के साथ। क्या हज्जाम मीम साहब? वही सरकार जो मालकिन के बालों की हेरा फेरी करने आती है क्या? पहले तो उसने बालों का गुलदस्ता बनाया, फिर गुब्बारा बनाया। क्या जब वो भी पसंद नहीं आया तो क्या बताऊं आपको, इन हेयर ड्रेसरों ने तो मुझे परेशान कर दिया और इस जाहिल ने तो पूरे 4 घंटे बर्बाद कर दिए। कमला, तुम्हें वहां अगर तुम सीधे साधारण बाल बनाकर आ जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर दूसरे मेहमान क्या समझते? दूसरों की बजाय अगर तुमने असलम भाई का ख्याल किया होता ना तो ज्यादा अच्छा। मैं कहती हूँ अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो कौन सी आफत आ गई? एक सालगिरह थी ना, वो तो रोज किसी न किसी की होती रहती है। बिलिसिया जी, मालकिन पिंकी को एयर कंडीशन रूम में छोड़ो। अच्छा जी। कमला, वक्त और हालात के साथ इंसान को बदलना जरूर चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो अपनी असलियत भी भूल जाए। यही रोना तो मैं रोती हूँ आपसे कि आप अपनी असलियत को क्यों नहीं समझते। अब आप पुराने नीली वर्दी वाले मैकेनिक चरणदास नहीं बल्कि करोड़पति सेठ चरणदास हैं, और मैं आपकी बीवी मिसेस चरणदास। दुख तो इसी बात का है कमला कि अब तुम बीवी कम और मिसेज चरण दास ज्यादा बनती जा रही हो। तो कौन सा गुनाह कर रही हूँ? भगवान ने अगर हमें पैसा दिया है तो हम पैसे वालों की तरह क्यों ना रहें? मगर ये मत भूलो कि भूख लगने पर पैसे वाले भी अनाज ही खाते हैं, सोना चांदी नहीं। सोना चांदी नहीं खाते मगर सोने चांदी के बर्तनों में तो खाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? आइंदा आप मुझे कभी किसी पार्टी में बुलाएं तो ऐसे लोगों के यहाँ बुलाएं जो हमारी बराबरी के हों। इन ऐरे गैरों को मुझे मत बुलाया कीजिए। कमला, असलम ऐरा गैरा नहीं है, मेरा जिगरी दोस्त है, भाइयों से बढ़कर। तो लगाए रखिए उसे अपने गले से, मैं कब मना करती हूँ? जब देखो असलम के बारे में भाषण देते रहते हैं। ओह, शो का टाइम हो गया, चलो बच्चों। मालिक, खाना लग गया। Thank you.
लगो पिताजी। जीते रहो बेटे। नमस्ते पिताजी। जीती रहो बेटिया। हाय टेडी। तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? पहले कभी आपके बगैर खाया है जो आज खा लेते? डैडी मम्मी और हम पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप भी खाना वाना खाकर आ जाइएगा। हम खा चुके हैं। याद है ना कल असलम भाई का जन्मदिन है? ओ, मैं तो ये भूल ही गया था, उसने तुम्हें सलाम भेजा है, तुम भी चलोगी ना? वाह, असलम भाई का जन्मदिन हो और मैं नहीं चलूं? जब देखो असलम के बारे में भाषण देते रहते हैं। शो का टाइम हो गया, चलो बच्चो चलो। पिंकी को दूध पिलाना मत भूलना। मालिक क्या बात है रामलाल? गोवा से मैनेजर का फोन था, फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए कल आपका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने कल के हवाई जहाज की सीटें बुक करा ली है। नहीं रामलाल, हम अभी चलेंगे बाई रोड, कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। मैं 4-5 दिन आराम भी करना चाहता हूँ। बलेसियार जी मालिक, हम गोवा जा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए सूटकेस में कपड़े डाल दो। जी। ओ हे राम, इस घर में तो ना दिन में आराम है ना रात को चैन। कभी पिक्चर तो कभी पार्टी तो कभी आती हूँ। सो गई थी क्या? नहीं मानी, 12-13 बजे तक इंतजार किया, फिर तो रहूंगा आगे क्या। अच्छा, पिंकी को दूध पिला दिया था? हाँ वो तो सो भी गई। और साहब भी सो गए? नहीं वो तो गए। कहाँ गए? वो फैक्ट्री से मैनेजर साहब आए थे, उनके साथ 4-5 दिन के लिए गोवा चले गए। गोवा चले गए? हाँ। ओ मम्मी, तो फिर कल की बर्थडे पार्टी का क्या होगा? होना क्या है, पार्टी होगी और पहले से बढ़कर होगी। थैंक यू मम्मी। ग्रेट। फिर पार्टी? कार दे आए रामलाल? जी अर्जेंट, अब तक तो गोवा भी पहुंच गया होगा। क्या लिखा था? यही कि पुल टूटने की वजह से यहाँ सारा ट्रक रुका हुआ है, 2-4 दिन रास्ता खुलने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए फैक्ट्री की इंस्पेक्शन खुद ही करवा लें। ठीक है मालिक, जगह तो ये भी बहुत अच्छी है, आप कहें तो 2-4 दिन आपके ठहरने का यही बंदोबस्त करवा दूं। नहीं रामलाल, बच्चों के बगैर यहाँ हमारा दिल नहीं लगेगा। ड्राइवर से कहो बंबई वापस चलने की तैयारी करें, रात तक घर पहुंच जाएंगे। नमस्ते आंटी। बर्थडे मुबारक हो कमला। थैंक यू रीता, थैंक यू वेरी मच। मगर इसकी क्या जरूरत थी? ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी लाई हूँ, ये पोंटी की तरफ से। ओहो पोंटी, माय गुलू 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 डार्लिंग। बर्थडे बेबी कहाँ है? ओ रही, ओ सो स्वीट। हेलो आंटी। हेलो। बर्थडे मुबारक हो कमला। थैंक यू। तुमने तो कमाल ही कर दिया शीला, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही। मैं तो कब से तैयार थी डियर, मगर इसकी तैयारी में देर लगवा दी। पहले इसे पाउडर किया फिर परफ्यूम, जरा सुनकर तो देखा। ओ वंडरफुल वंडरफुल। वो अनाउंसमेंट याद है ना? अरे उसे कभी भूल सकती हूँ क्या? केक काटे पहले। आओ
मालिक, मालिक आपके लिए चाय कॉफी कुछ लाऊं मैं? नहीं मलेशिया, मालकिन को यहाँ पीता। ये विलेसिया की बच्ची तो कह रही थी कि आप चार पांच दिन के बाद लौटेंगे, लेकिन मुझे यकीन था आप विकी के बर्थडे में जरूर आ जाएंगे। तुम फिर कुत्ते का बर्थडे मना रही हो? फिर से मतलब? पूरे एक साल के बाद तो मना रही हूँ। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद याद है पिछली बार भी कितना झगड़ा हुआ था इसी बात पर? झगड़ा करने की तो आदत है आपकी, लेकिन आज मेहरबानी करके कोई नाटक मत खड़ा कीजिए। मैं शीला हरनाम दास के कुत्ते डिंपू से अपनी पिंकी की सगाई अनाउंस करने वाली हूँ। आप भी बाहर आके सुनिए। लेडीज एंड किडीज, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट सुनिए। मैं अपनी डार्लिंग पिंकी के बर्थडे के मुबारक मौके पर मिसेस हरनाम दास से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी पिंकी को अपने डिंपू की मंगेतर के रूप में स्वीकार करें। मुझे यह मंजूर है। सगाई की इस रस्म को पूरा करने के मैं अपने डिंपू की तरफ से पिंकी को ये सोने का पट्टा भेंट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बलेसिया, और मैं पिंकी की तरफ से डिंपू को ये हीरो जड़ा पट्टा भेंट करती हूँ। हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि शादी में ज्यादा देर न की जाए। अगले संडे को बारात इसी घर में आएगी और शादी की मुबारक रस्म इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, इसलिए सब लेडीज से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो उस दिन दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर आएं। मगर मर्दों को इनवाइट करना तो मर्दों का काम है। बिल्कुल ठीक है, ये इन्विटेशन तो सेठ चरण दास जी की तरफ से होना चाहिए। कमला, सेठ जी गोवा से आ जाए तो ये काम भी हो जाना चाहिए। वो तो आ चुके हैं, अपने कमरे में हैं। आ चुके हैं? वीरपाल सेठ जी, 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 देखिए मेहरबानी करके आप लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाइए। प्लीज ये क्या बदतमीजी है? मैंने बदतमीजी की है बेटे? मुझे बिना मत कहिए। ठीक है, नहीं कहूंगा, आज से किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कहने के लिए और नहीं क्या गया है जो अब कहेंगे? दुनिया सुधर सकती है मगर आप नहीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मेहरबानी करके कोई नाटक मत खड़ा कीजिएगा, मगर लोगों को तमाशा दिखाना तो आपकी आदत है। अब पड़ गई ना आपके दिल में ठंडक? कमला मन गई है। कमला, जिसकी हर खुशी आपकी आंखों में खटकती है, इस आए दिन की बकबक से तो अच्छा है हम एक दूसरे की बातों में दखल देना ही छोड़ दें। आइंदा ना आप हमसे ना हम आपसे बोलेंगे, जान छोड़िए हमारी। माफ कीजिए, मेरे हस्बैंड जरा पुराने हैरत के हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानिए। पार्टी जारी रखिए प्लीज।
कीजिए, मगर लोगों को तमाशा दिखाने की आपकी आदत है, अब पड़ गई ना आपके दिल में ठंडक। तेरी ये क्या बदतमीजी है? कहने के लिए और रह ही क्या गया है जो आप कहें? दुनिया सुधर सकती है मगर आप नहीं। मुझे बेटा मत कहिए। मन कहिए जिसकी हर खुशी आपकी आंखों में खटकती है। इस आए दिन की बकबक से तो अच्छा है हम एक दूसरे की बातों में दखल देना ही छोड़ दें। आइंदा ना आप हमसे बोले हम आपसे बोले, जान छोड़िए हमारी, जान छोड़िए। क्या बदतमीजी है? मुझे बेटा मत कहिए। मन कहिए मुझे बेटा मत कहिए। ये क्या बदतमीजी है? जान छोड़िए हमारी। ए लड़की मरना चाहती है क्या? हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। तो फिर मेरी गाड़ी के सामने आकर मरना है? और कई तरीके हैं मरने के, जाओ समुद्र में कूद कर मर जाओ, जाओ। लगता है बहुत दुखी हो, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कहाँ रहती हो बताओ, कहाँ रहती हो? कहीं नहीं। ओ, माँ बाप कहाँ? मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, और जो था वो बेगाना हो गया। बेगाना हो गया? कौन? रोने से कोई मुश्किल आसान नहीं होती। कहाँ है तुम्हारा पति? तुम्हारा नाम क्या है? लाली। क्या है? देखो बताओ तुम्हें तो क्या है, शायद मैं तुम्हारी को मदद कर सकूं। बताओ। माँ बाप के मरने के बाद मैं हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी कस्बे में अपने मामा के पास रहती थी। उसी कस्बे में एक लड़का रहता था, अशोक।
मेले बहारों के लग जाएंगे। अशोक के प्यार के सपने बहुत लंबे नहीं थे। अचानक एक दिन मेरे मामा ने रुपए के लालच में आकर मेरी शादी का ही और तय किया। शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, अशोक से शादी। शादी के बाद हमने वो गांव छोड़ दिया और यहां चले आए। अशोक को यहां आते ही एक नाटक कंपनी में काम मिल गया और वहीं से मेरी बर्बादी का दौर शुरू हुआ। वो दिन ब दिन मुझसे बदलने लगा और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करता है उसकी हीरोइन की यहां उसका आना जाना है। आज जब वो आधी रात तक घर नहीं आया तो मैं उस हीरोइन के घर जा पहुंची। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको लेने। मैं कोई दूध पिता बच्चा नहीं है, गोद में ढाकर ले जाओगे। जो यहाँ से मैं आ जाऊंगा। नहीं, आज मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। इतनी रात गई, क्या काम है आपको यहाँ? ओहो, तुम नहीं समझोगी, अगर मैं यहाँ ना आऊँ तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। जहन्नुम में जाए ऐसे नौकरी जिसके वजह से मेरा घर तबाह हो जाए। इसे तो भूखों मरना अच्छा है। लाली, कौन है ये अशोक? कोई नहीं, मेरे आया है, चाबी मांगने आई है। क्या कहा? अरे आया हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ से। नहीं जाऊंगी। उसने वो तमाचा मेरी गाल पर नहीं, मेरी आत्मा पर मारा था। मुझे मर जाने दिया होता अब, मुझे मर जाने दिया होता आपने। बस इतनी सी बात के लिए मरना चाहती थी? जिंदगी मरने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। मगर मैं किसके लिए जीऊं? अशोक के सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन? नहीं।
दुखी तुम भी हो, दुखी मैं भी हूं। हम दोनों एक दूसरे को सुखी बना सकते हैं। कैसे? आओ बताता हूं। शट अप! मुझे और बनाने की कोशिश मत करो। ये स्टेज का ड्रामा नहीं, हकीकत है। आज तुम मेरे लिए अपनी बीवी को एक आया बना सकते हो, कल किसी और के लिए मुझे भी। गेट आउट! कम इन। आइए गुप्ता जी, बैठिए। ये कार्ड है, कुछ आदमियों की ड्यूटी लगा दीजिए। ये कार्ड जल्द से जल्द भर जाने चाहिए, संडे को शादी है। वाह वाह, मुबारक हो। तेर आयत दुरुस्त आयत। आप किसी बेवा से शादी कर रहे हैं क्या? मेरी शादी नहीं, बालकन की डॉगी है पिंकी, उसकी शादी हो रही है डिंपू नाम के कुत्ते से। कुत्तों की शादी? हाँ भाई, मालिकन का हुक्म है कि धूमधाम में किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे है किसी बात की कमी? ड्रिंक्स, डिनर, डांस, 150 आदमियों का बैंड, मूवी कैमरा और टेलीविजन रिपोर्टर। फैंटास्टिक! ये तो पिंकी और टिंपू की शादी को लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एग्जैक्टली मम्मी। अरे इस शादी को देख कर तो कई लोग ये भी सोचेंगे कि उन्हें मिसेस चरणदास के यहाँ कुत्ते का जन्म क्यों नहीं मिला। ये सब तो ठीक है, लेकिन शादी वाले दिन सेठ जी आकर कहीं रंग में भंग न डाल दें। इसकी चिंता ना करो। मगर वो इतने दिनों से है कहाँ, कुछ पता भी किया है तुमने? पता करने तो मैं तब जाऊँ अगर ये कोई नई बात हो। यहाँ तो आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है, और वो घर छोड़कर चले जाते हैं, कभी इस होटल में कभी उस होटल में। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है वापस चले आते हैं। कमला, जमाना बड़ा खराब है, सेठ जी को ज्यादा होटलों वोटलों में मत जाने दिया कर। उनको तूने अपने हस्बैंड की तरह समझ लिया है क्या? मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह जानती हूँ, न तो उनकी कोई प्राइवेट लाइफ है और न कोई लफड़ा। ऊपर का मेहमान खाना खुलवाओ। खुला है मालिक, सफाई भी अच्छी तरह कर दी है, बिस्तर की चादरें, तकिए, गिलाफ, पर्दे भी लगा दिए हैं क्या? किस लिए? वो मालकिन की दो सहेलियां दिल्ली से आ रही है ना, पिंकी बीबी की शादी में शामिल होने के लिए। पिंकी की शादी? नहीं होगी इस घर में कुत्तों की शादी, और कोई भी मेहमान इस घर में कदम नहीं रखेगा। मेहमान खाने में आज से हमारी डार्लिंग रहेंगी। भालू सिंह, मेम साहब का सामान ऊपर ले जाओ और हमारा बिस्तर भी नीचे से ऊपर ले जाओ। आज से हम भी डार्लिंग के साथ वाले कमरे में रहा करेंगे। जो तुम मालिक। अब लेसिया, तुम भी सुन लो, तुम्हारे सिवाय इस घर का कोई भी आदमी ऊपर नहीं आएगा, और अगर किसी ने भी ऊपर आने की कोशिश की तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी, समझे? जी मालिक। आओ डार्लिंग, घर पसंद आया? बहुत खूबसूरत है, मगर डार्लिंग इस घर में मुझे कुछ फालतू चीजें नजर आ रही हैं। मेरी जान, इशारा करो, अभी आओ उठाओ। नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं, अब मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर बताऊंगी। अजी बात, चलो चलो। मिसेस चरणदास, तुम तो कहती थी तुम अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हो, फिर ये बगल में दबाकर किसे ले आए हैं अपने साथ? ऐसे ही कई कई दिन होटलों में गायब नहीं रहता कोई? भाई इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं, दिल तो हथेली पर लेकर घूमते हैं, जरा सा कहीं फिसले तो गए काम से, और बुढ़ापे में इंसान फिसलता भी ज्यादा ही है। हम लोग अभी चलती हैं मिसेस चरणदास, तुम भी पिंकी की शादी को फिलहाल भूल ही जाओ। यहाँ जो नया गुल खिला है पहले उसका इलाज सोचो, और हाँ ज्यादा पूछताछ भी मत करना। इस आग को जितना बुझाने की कोशिश करोगी उतना ही भड़केगी। ओके बाय बाय। और एक आपके लिए सवाल के रखा है, कसम धर्म पत्नी बहन जी। ए त्रिकम भाई। हाँ जी, हाँ जी, इसे हम खुद पहनाएंगे। हाँ पहनो ना, पहनो ना, मैं सोचे पहनो। हाय मम्मी, कितना सुंदर नेकलेस है, एक मुझे भी ले दो ना। त्रिकम भाई जी,
क्या दाम है इस शर्ट का? सेठ जी जास्ती महंगा नहीं है, कसम धर्म पत्नी की, सिर्फ 5 लाख रुपया। पांच लाख। हाँ। कोई बात नहीं, चेक दुकान पे भेज दे। चल से। 5 लाख। मालिक। हाँ पे देख के चल। मालिक ये होटू चल मोटू मल केशवानी आया है। मगर हमने तो नहीं बुलाया। सुबह टेलीफोन किया था ना मालिक, वो साड़ी वाला क्या? आने दो। बड़ी साड़ियाँ तो बहुत मिलती हैं बाजार में, लेकिन हमारे मुकाबले में एक भी नहीं। ये देखिए, इस साड़ी की मिसाल सारे हिंदुस्तान में नहीं। कश्मीर इसका रेशम तैयार हुआ, बेंगलोर में इसकी बुनियाई, बनारस में जरी का काम हुआ, कांजीवन में इसकी कटाई। क्यों डार्लिंग, पसंद आई? बुरी तो नहीं है, लेकिन जरा शौक। वही गुस्ताखी माँ हो रानी साहबा, शौक बदन पे चीजें भी शौक इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए तो इस साड़ी का नाम रखा है सुहाग रात। मम्मी बहुत रात तेरा सर। केशवानी साहब, मोटू मल केशवानी। हाँ मोटू मल केशवानी साहब, ये साड़ियाँ यहीं छोड़ दीजिए और आपकी दुकान पर सुहाग रात की टक्कर की जितनी साड़ियाँ हैं ना, सबके सब भेज दीजिए। वही सब की सब? हाँ भाई, हमारी डार्लिंग जो साड़ी एक बार पहन लेती है दोबारा नहीं पहनती। दुकान का बता दिया, थोड़ी पैसा तो घर में है। मालिक, मालिक क्या है? अभी आया है। ये कौन है? नाम नहीं बताता क्या? माफ कीजिएगा, टेलीफोन तो सुबह ही आ गया था, लेकिन बंदा जरा नाश्ता करके लेट गया था, इसलिए लेट हो गया। अंदर आने की इजाजत है? आइए आइए। शुक्रिया शुक्रिया। हुजूर, इटली से जापान तक, अमेरिका से हिंदुस्तान तक सभी फैशन पानी भरते हैं अपनी दुकान। मगर आपकी तारीफ, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, इनको हंसी बनाया, तुमको जमा बनाया। हुजूर, औरत को बनाता है खुदा और उसकी पोशाक बनाता है बंदा। खाकसार का नाम है बशीर दादू और ये इंची टेप है उसका जादू। हुजूर जरा नाप के लिए खड़े हो जाइए। नाप मेरा नहीं, इनका लेना है। तो आप जरा खड़ी हो जाइए मोहतरमा। ए मिस्टर दादू, ये दादू हमें चलाने दो, तुम जरा लिखो बस। सुभान अल्लाह, खुदा ने भी इनको खूब नाप तोड़ के बनाया है। अब हुजूर देखिएगा बंदे का कमाल। तो हुजूर दुकान पे कपड़े देखने कब तशरीफ ला रहे हैं? मिस्टर दालू, अभी तुम अपनी पसंद की 10-12 पोशाकें बना कर ले आओ। अगर मेम साहब को पसंद आए तो तुम्हारी दुकान पर जितने भी कपड़े हैं ना, सबकी एक एक ड्रेस बना कर ले आना। शुक्रिया शुक्रिया। आपका टेलीफोन? मैं। अरे तुम, मुझसे कुछ कहा आपने? ये सब क्या है लाली? मिस्टर मैं लाली नहीं हूँ, शायद आपको धोखा हुआ है। मजाक मत करो लाली। फिर वही लाली? हाँ, कहीं आपने भंग तो नहीं पी रखी? उठिए यहाँ से बेटा। फैक्ट्री से टेलीफोन था। सेठ चंदास का जलवा देखा? सब पैसे का खेल है प्यारे। कॉफी ठंडी हो गया है, और पियोगी? नहीं, अब चलेंगे। वेटर, 15 रुपए साहब। 15 रुपए सिर्फ? ये लो साहब, कीप द चेंज। थैंक यू सर। आइए। बेटा जी, तुम इस आदमी को जानते हो? जी उन्हें कौन नहीं जानता, करोड़पति हैं सेठ चरणदास। और साथ में लड़की? अरे बाबू इतना भी नहीं समझे, पहले सेठ जी अकेले आते थे, मगर कुछ दिनों से मेम साहब भी उनके साथ होती हैं। लोग कहते हैं ये उनकी, समझ गए ना? क्या नाम बताया? सेठ चरणदास। अगर वो आपकी बीवी है तो आप उसे मना क्यों नहीं करते? लेके नहीं जाते जबरदस्ती? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते?
जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल हमने चुपचाप एक मंदिर में शादी की थी जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। जब वो मुझे पहचानने को तैयार नहीं है तो शादी से इनकार भी तो कर सकती है। आप ही कुछ करिए। मैं भी क्या करूं, जगह साई के डर से मैं अपनी जबान नहीं खोल सकती, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। देखा आपने, सुबह से शाम तक बस यही होता रहता है। न घर वाले की कोई चिंता, न बाहर वालों की कोई शर्म। हमारा तो जीना हराम कर दिया है आपकी बीवी ने। और मुझे भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। हे राम। मलेशिया। जी मालकिन। क्या हो रहा है ऊपर? वो डार्लिंग को मोच आई है ना, सो मालिक मोच निकाल रहे हैं। क्या मोच निकाल रहे हैं? जी हाँ, पूरी टांग की मालिश कर रहे हैं वो। टांग की मालिश? मगर मोच तो पैर में आती है। ये तो मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन मालिक उसकी टांग को अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे हाथ फेर रहे हैं उस पर। क्या? और मुझे दवाई के लिए सोडा लाने भेजा है। दवाई कौन सी? ये तो मुझे नहीं मालूम मालकिन, लेकिन इतनी लंबी बोतल है। क्या? और उस पर सफेद घोड़े की फोटो है। सफेद घोड़ा? व्हाइट हॉर्स? ये तो शराब है। शराब? ये सब बर्दाश्त करना मेरी ताकत से बाहर है। जैसे वैसे रोकना चाहिए। यही तो मैं भी चाहती हूँ। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद इस बढ़ते हुए पागलपन को रोक सकते हैं। वो कैसे? आप आज से यही रह जाइए, शायद आपको सामने देखकर आपकी बीवी की सोई हुई गलत जाग उठे। लेकिन मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, कौन जाने कब आपकी जरूरत पड़ जाए। गोपाल जी। मालकिन इनके लिए नीचे का मेहमान खाना खोल दो। अच्छा मालकिन। आप अपना सामान अभी जाकर ले आइए। जी।
इतने दिन हो गए, सेठ जी आजकल ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, मगर तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं उनके बारे में। वो सब बातें झूठ है। झूठ है तो फिर उन्होंने ऑफिस में आना क्यों छोड़ दिया? भाई वो मालिक है, जब जी में आए आए, जब जी में ना आए ना आए। हो सकता है कोई घर में ही जरूरी काम कर रहे हो। क्या कथा गली पतंग है, क्या नाच रही है, हाय हाय मैं मर जाऊं। डार्लिंग तुम भी पतंग उड़ाओ ना, मैं पेच किससे लड़ाऊं? डार्लिंग मुझे तो पेच लड़ाना आता ही नहीं है। हमारे जमाने लोग बटेर लड़ाते थे, मुर्ग लड़ाते थे, मेढे लड़ाते थे, आजकल मुझे सिर्फ एक चीज लड़ानी आती है। क्या? आंख। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बेगम, भाभी आई हैं। आइए तशरीफ रखिए। शुक्र है खुदा का, आज कैसे रास्ता भूल गए गरीब खाने का? रास्ता भूली नहीं, रास्ता पूछने आई हूँ। अभी अभी पता चला कि आप लोग लखनऊ से आज ही वापस आए हैं, भागी भागी यहाँ आई। खैरियत तो है भाभी, आप बहुत परेशान नजर आ रही। यही बहुत है कि जिंदा हूँ, वरना आपके भाई साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जीते जी मार डाला है हम सबको। क्या किया है चरणदास ने? मेरी एक सास ले आए हैं घर पर। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ, खुल्लम खुल्ला ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं उसके साथ, कहती हूँ अभी शर्म आती है। अल्लाह तौबा, इस उम्र में ये क्या हो गया उनको? दोनों हाथों से दौलत बता रहे हैं उस पर। भाई साहब अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, भगवान के लिए मेरे साथ चलिए और उन्हें समझाइए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। आप अभी जाइए जी, भाई साहब आपकी बात कभी नहीं टाल सकते। वो किसी और की सुनते भी तो नहीं, फैक्ट्री के लोग कब से घर पर आकर बैठे हैं उनको मिलने के लिए, मगर उन्हें किसी की भी परवाह नहीं। उनके लिए तो बस वो लड़की और शराब। शराब? चरणदास और शराब? हाँ भाई साहब, सुबह से रात तक सोड़े ही जाते रहते हैं ऊपर। साहब से बोलो, असलम भाई आए हैं। भाभी बोलने की क्या जरूरत है, मैं खुद ऊपर चला जाता हूँ। नहीं साहब, आप ऊपर नहीं जा सकते। क्या? क्यों? मालिक का हुक्म है। क्या? बलेसिया जानती नहीं ये कौन है? जानती हूँ मालकिन, लेकिन जब आप ही को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है तो फिर कोई और कैसे जा सकता है? क्या? चरणदास, ए भाई चरणदास, चरणदास, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? फरमाइए क्या चाहते हैं आप? चरणदास कहाँ है? क्या काम है आपको उनसे? वो मेरा भाई है। मैंने काम पूछा है, रिश्ता नहीं। हम काम से ज्यादा रिश्ते को अहमियत देते हैं। लड़की बोल दो उसे अस्तम आया है। मगर क्यों आया है, कुछ इस पर भी तो रोशनी डाली। जबान तो कैंची की तरह चलती है। आपकी जेब कट गई है इस कैंची से क्या? पको मत, मैं तुम जैसी औरतों के मुंह नहीं लगना चाहता। और मुझे भी आप जैसे मर्दों से बात करने का शौक नहीं। क्या बात है जाने मन, किसे लड़ रहे हो? ए कौन है तुम? चरणदास, अगर आंखों में बिनाई बाकी है तो नीचे आकर देखो कि मैं कौन हूँ। आवाज तो जानी पहचानी लगती है डार्लिंग, कौन है ये? मैं क्या जानू, कहता है आपका भाई है। भाई? अरे भाई तो मेरे बाप का भी ले रहा। डार्लिंग अंदर चलो, गिलास इंतजार कर रहे हैं। मालिक मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम भी कोई रिश्तेदार हो मेरे? नहीं मालिक, मैं तो आपका सेवक हूँ रामलाल। ओ, रामलाल, ये भीड़ क्यों जमा है यहाँ पर? किसकी मौत का मातम करने आए हैं ये लोग?
जाओ चरणदास। तुम मुझे धमकाने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। क्या किया मैं? क्या नहीं किया है तुमने? शहर की हर गली हर कूचे में तुम्हारे इश्क के चर्चे हो रहे हैं, और ऊपर से पूछते हो क्या किया है मैंने। डार्लिंग, सुना तूने, सारे शहर में हमारे इश्क के चर्चे हो रहे हैं। चरणदास, इस औरत को पहचानते हो? ये कौन है? ये मेरी डार्लिंग नहीं है। चरणदास, जिस दौलत को तुम बर्बाद कर रहे हो उसमें इसका भी हक है। किसी के बाप का कोई हक नहीं है मेरी दौलत पर। यह सब मेरी अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी है। मैं जैसे भी चाहूँ इसे बर्बाद करूँ। तुम्हारी मेहनत में इसकी किस्मत भी शामिल है। ये तुम्हारी बीवी है, बीवी। अरे बाप को, ये पैसा भी कमाल चीज है। पहले एक ने कहा कि वो मेरा भाई है, और फिर दूसरे ने कहा कि वो मेरा सेवक है, तीसरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मेरी बीवी है, अब कोई चौथा आकर कहेगा कि वो मेरा बाप है। साथ जुड़ है, बकवास है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। चरणदास, मालूम होता है इस औरत ने तुम्हें पागल बना दिया है, जो इतनी पुरानी दोस्ती कभी पास नहीं रहा। अरे दोस्ती एक मजाक है मिस्टर। दोस्ती खुदा का नूर है। अरे तो फिर इस नूर को जेब में डाल कर लेगा अपने घर। मुझे जिस नूर की तलाश थी वो मिल गया है। डार्लिंग, आ मेरे घर, आ डार्लिंग, ये सब कुछ मेरे जूते हैं, आ डार्लिंग। रामलाल, ऐलान छपवा दो अखबारों में कि आज से हमारे तमाम कारोबार की बागडोर हमारी डार्लिंग के हाथ में रहेगी। हमारी तमाम फैक्ट्रियां इनके अंदर रहेंगी, और बैंकों से लेन देन भी हमारी डार्लिंग ही करेगी। छोटे से लेकर नहीं, बड़े से लेकर छोटे चेक तक गिरी के दस्तखत चलेंगे। आज से ये तुम्हारी नई वाइकी है। नई वाइकी तो सेठ चरणदास यहां तक ही गए? आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो पागल हो गए। बिल्कुल पागल हो गया है वकील साहब। चरणदास को अब न तो अपना होश है न दीनो दुनिया का ख्याल। उसने अपने तमाम कारोबार की बागडोर भी उस लड़की के हाथ में सौंप दी है। वकील साहब, मुझे तो डर है कहीं वो अपनी सारी दौलत उस लड़की पर न लुटा दे। लुटाने में बाकी क्या रह गया है भाई साहब? 5-5 लाख के हार पहनाए जा रहे हैं वकील साहब, और दुनिया भर के तोहफे। अब तो चेकों पर दस्तखत भी उसी के होंगे। अगर यही हालत रही तो मैं और मेरे बच्चे पैसे पैसे को मोहताज हो जाएंगे वकील साहब। डोंट वरी मिसेस चरणदास, मैंने इसका इलाज भी सोच लिया है। आप सिर्फ इतना कीजिए, उस लड़की और सेठ जी के जितने भी फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं वो आप मुझे ला कर दीजिए। यानी पोजेज ऐसे होने चाहिए लड़की और सेठ जी एक दूसरे के बहुत करीब हो। लेकिन करीब तो हम उनके जा ही नहीं सकते, फोटो कैसे लिए जाएंगे? उसका इंतजाम भी किए देता हूँ। आपके लिए ऐसा फोटोग्राफर अरेंज कर देता हूँ जो इस तरह के कामों में माहिर है। पिंटर है उसका नाम। अभी फोन करके उसे मैं आपके घर भेज देता हूँ। अपन अंदर आ सकता है? अजी अंदर का पैड़ी आ चुका है महाराज। मैं बताओ किससे मिलने आए हैं? ओल्ड मैन आया नहीं, बुलाया गया है। मिसेस चरणदास है। मारुति तो घर में नहीं है। नहीं है। नहीं है, नहीं है तो उनको फौरन बुलाओ, और जब वो आ जाए तो उनको फौरन बतलाओ कि मिस्टर पिंटो आए हैं। तब तक अपन इधर बैठेगा। हाँ पर साहब जी, हम तुमको बोला ना कि हमको टेलीफोन करके बुलाया है। और मैन अपना एक बहुत बुरा आदत है, जब अपन आता है तो जाता नहीं, और जब जाता है तो आता नहीं। हाँ जब तक हम इधर बैठा है हमको फर्स्ट क्लास एक चाय का कप मारो। लवली ब्यूटी ब्यूटिफुल, इसको फोटोग्राफ करेगा प्लीज स्टडी।
Don't move. Ready, steady. Thank you. आप आ गए? ओ, माफ कीजिएगा हम लोग जरा लेट हो गए. मिस्टर पिंटो, सन ऑफ मिंटो, ग्रैंडसन ऑफ टिंटो, यानी कि खानदानी फोटोग्राफर. हमारा ग्रैंडफादर लंदन में फोटोग्राफर था. हमारा फादर पोर्चुगीज जमाने में गोवा का नंबर वन. और अपन फादर से एक दो कदम आगे और अपना ग्रैंडफादर से एक दो कदम पीछे, यानी कि मॉडलिंग एक्सपर्ट. आप हिंदुस्तान का कोई भी मैगजीन उठाकर देखिए, अपना मॉडल फ्रंट पेज पर होगा, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पिंटो इज द बेस्ट. फरमाइए मुझे क्यों बुलाएगा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है. औ इसकी खबर किसी को भी होना नहीं चाहिए. नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए. काम बताइए. आइए मेरे साथ. चलिए. अरे ये पिंपल साहब कहां गायब हो गया? बड़े साहब और नई मालकिन के साथ कश्मीर चली गई. कश्मीर? कहा आपने? चार. फर्स्ट फ्लोर पर दीजिए. सॉरी मैडम, फर्स्ट फ्लोर तो पूरे का पूरा एक कपल ने बुक कर रखा है. ओह फैंटास्टिक, एक ही कपल ने पूरा फ्लोर बुक कर रखा है. कौन है ये लकी मैन? बंबई के सेठ चरणदास. सेठ चरणदास? अरे मैडम, वो तो अपन देखते ही समझ गया था, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो अपन ने देख लिया. क्या? वो ये कि इसमें सेठ जी का कुछ ज्यादा मिस्टेक नहीं है. इतना खूबसूरत लड़की देख के तो किसी का भी भेजा फिर जाएगा. मिस्टर पिंटो, आई एम सॉरी. व्हाट अ ब्यूटी. कलेसिया? हो मालकिन, आप कब आई? आज ही. कहां गए ये लोग? बोलकर तो गए हैं कि पहले क्लब जाएंगे, फिर शिकारी की सैर करेंगे और फिर बाहर कहीं खाना खाएंगे. क्या? कहाँ खाएंगे? ये मैं क्या बताऊं मालकिन? नई मालकिन को खुश करने के लिए तो मालिक कुछ भी कर लेते हैं. क्या? अब हवाई जहाज में उसका सर घूमने लग गया था तो सारा रास्ता मालिक उसका सर ही दबाते रहे. क्या? अरे मालकिन, आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, मैं जरा मालिक और नई मालकिन का बिस्तर ठीक कर दूं. क्या? मलेशिया? जी मालकिन. तुम कहां सोती हो? मैं साथ वाले कमरे में मालकिन. क्या? ईस्ट और वेस्ट, पिंटो इज द बेस्ट. कुछ पता चला? मैडम, आप अपुन का इंसल्ट कर रहा है. पिंटो कभी खाली हाथ वापस आ सकता है? नवार. ये बताओ खबर क्या लाए हो? सेठ जी इज आउट. आउट? क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? ओल्ड मैन सेठ जी चला गया. कहाँ? बॉम्बे? नो मैडम, बॉम्बे काहे को वास्ते जाएगा. तो फिर कहाँ गए? इधर कुछ जगह है खूखर, खूखरनाक. वहाँ तो बीमार लोग जाते हैं, वो क्यों गए? आई डोंट नो मैडम. मैं बताता हूँ मालकिन, मालिक ने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, आजकल दिन रात पीते रहते हैं. वो जरूर किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं. मगर लाली क्यों गई उनके साथ? लाली यहाँ क्यों आई उनके साथ? तुम्हारा मतलब है वो देखभाल करने गई है? नहीं तो, क्या ड्यूट गाने?
से आंख लड़ा ली ओ मैंने जग की दौलत पाली ओ जब आंख से आंख लड़ा ली ओ मैंने जग की दौलत पाली ओ बलिए नी आ हंस दे टप दे गांदे चलिए नी जेंटलमैन भाग क्यों रहे हैं आप आपसे मिलकर बहुत ही हुई क्या पर्सनैलिटी आपकी आपका ये लिबास और लिबास पहनने का सलीका है थैंक यू आपकी एक मैचिंग टोपी थैंक यू जेंटलमैन जवाब नहीं आपके डांस का अरे क्या रिदम है आपकी बॉडी में एक अंग लचकता है क्या शेक करते हैं आप ओनली शेक नहीं रंबा संबा रॉक एंड रोल भी करने को सकता एक करके दिखाया आपको जी नहीं अभी नहीं अब फिर कभी देखेंगे अभी हमें आपकी सिर्फ एक फोटो चाहिए दे सकते हैं श्योर पर फोटो तो अपन के पास नहीं है कोई बात नहीं कैमरा तो आपके पास हम खींच लेते हैं वेरी गुड आइडिया गुड आइडिया व्हाई नॉट ये यस रेडी जेंटलमैन अरे अरे ये क्या किया हमसे पूछा हमारी फोटो उतारता है डू यू मैन अफोर्ड फॉर ऑल इंडिया पे ऑल इंडिया के बच्चे फिर कभी मेरे सामने आ तो गोली मार दूंगा हाउ डार्लिंग अभी एट तुमने क्या दिया उसके हाथ अरे उसने अपुन का तारीफ किया अपुन ने कैमरा दे दिया तारीफ अपुन का भी नहीं चुप है उसने तुमको बेवकूफ बनाया समझे अपुन को क्या मालूम वो अपुन का बाप निकलेगा मैडम अब अपुन उसके सामने नहीं जाएगा अगर उसने अपुन को पहचान लिया तो ढाई गोली मार देगा
मगर फोटो लेना तो बहुत जरूरी है मिस्टर पिंटो। पान अपुन का लाइफ भी बहुत जरूरी है मैडम। अपुन अकड़कटा के वापस बंबई जाता है, अपुन ऐशरन मैन का फोटो नहीं खींचेगा। घबराओ मत मिस्टर पिंटो, आइडिया आइडिया, फोटो तुम ही खींचेगा। अब्बा हुजूर आपको सलाम कहते हैं और हिंदुस्तान के लोगों की सलामती की दुआ करते हैं। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहां से आए? जकाने सवाले बासत मुल्क हमदम जका राशिद। ओ, मन बिदरे हमामा इब्ने हमामा फरजाना जिगरे अरबस्तान सौदागरानी अश्व। अब्बा हुजूर फरमाते हैं कि ये मुझ हमामा के बाप है और मैं इन हमामा का बेटा। हम लोग घोड़ों के अरबी सौदागर। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जहे नसीब बगोयम के तुला लाल औजार निकात। ई हसीना भावगीना चश्मे आहू गुलनार बदन दुख्तरे ई बाशत के जने शीरी बाशत। अब्बा हुजूर पूछते हैं कि ये हिरन की आंख और फूल सा बदन रखने वाली लड़की आपकी बेटी है या औरत? ना बेटी है ना औरत, बल्कि इससे भी ज्यादा है मेरे दिल की धड़कन। ओ समझ गया, ई दोशीजा रुख पाकीजा महबूबा राशिद। आफरीन आफरीन ई अजूबा जारे महबूबा शोले तूर तस्वीर हूर बखुदा ई गुले गुलजार बराकत बाशा। अब्बा हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया की इस सबसे हसीन लड़की की अगर एक तस्वीर मिल जाए तो अरब के रेगिस्तान में फूल ही फूल खिल जाए। बड़े शौक से डार्लिंग, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? एतराज कैसे, ये तो बड़े फख्र की बात है। अरबिस्तान के लोग जब आप दोनों की तस्वीर देखेंगे तो असली लैला मजनू को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। वो कैसे? ये भी कोई पूछने की बात है। मेरा मतलब असली लैला ना तो इतनी खूबसूरत थी और ना ही असली मजनू इतना जवान मर्द। लैला मजनू की जोड़ी तो आपकी है माशाल्लाह। तैयार? हाँ तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयार। नेक्स्ट। हेलो या स्टडी या तैयार होशियार तैयार। मामा दमे खाक पाइंदा बासत ही आश को माशूक न मजरू के नाना राशत हम शीरा ब्रादर बासत। माफ कीजिएगा अब्बा हुजूर, फरमाते कि ऐसी तस्वीरें किस काम की जिसमें ना कोई लैला ना कोई मजनू। जरा एक दूसरे के करीब आइए, करीब थोड़ा करीब। हाथ जरा इधर और ये जरा इधर। हिलिएगा मत, मैं तस्वीर खींचता हूँ। आहा आहा आहा। दोष मत, दोष जरा करीब। आहा दस्तगीर बालगीर गले में बाहें गले में। आहा एक मिनट। आहा मरहबा बोसो। देखो आहा यू यू एक मिनट। आहा फिर गले में बाहें, गले में बाहें। रुखसार पे रुखसार, रुखसार पे रुखसार, गाल के पास गाल। सबूरी ना 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 हर चंद के हजूरी बांगे दरा अधूरी। ना ना। क्या काम इसे चरणदास है? अभी तक आपको कोई फोटो नहीं मिल सके? नहीं वकील साहब नहीं, अब तो उन्हें यह भी पता चल गया है कि हम लोग उनके पीछे यहाँ आए हैं। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। लेकिन फोटो तो हर हालत में लेने होंगे मिसेस चरणदास, क्योंकि सारा दारोमदार उन्हीं पर है।
हाँ हाँ केस मैंने तैयार कर लिया है, मगर जब तक फोटोज नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? बेस्ट ऑफ लक। डार्लिंग, मैं आपके लिए जा रही हूँ, आप भी चलेंगे? नहीं तुम जा, मगर जल्दी आ जाना। क्यों? तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। जानती हो मुझको? कौन हूं मैं? अशोक साहब, थोड़ी दिनों के लिए मेरे प्रेमी, बाद में पति, और आज कुछ भी नहीं। मैं आज भी तुम्हारा पति हूं। मंदिर में मेरी तुम्हारी शादी हुई थी। हाँ हुई थी। और अब टूट गई। शादी का बंधन क्या इतनी आसानी से टूट जाता है? नहीं, काफी मुश्किल से टूटता है। ये बंधन अटूट होता है लाली। सत्यवान सावित्री के जमाने में होता होगा, आजकल नहीं। लाली, मैं बहुत दुखी हूं, भगवान के लिए मुझे और दुखी मत करो। जो पहले दुखी होता है वही बाद में सुखी होता है, मुझे ही देख लो ना। लाली, मैंने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? अब मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? तुम्हारा चरणदास से क्या रिश्ता है? ये भी कोई पूछने की बात है? प्यार का रिश्ता है अशोक बाबू। कैसा प्यार? सच्चा प्यार। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम उसकी बीवी की तरह हो? बीवी बिचारी की क्या पोजिशन होती है आज की दुनिया में? मैं तो उससे भी बढ़कर हूँ। लाली, तुम मुझे इस तरह ठुकरा कर नहीं जा सकती। तुम मेरी हो, तुम्हें मेरी बनकर रहना होगा और इसी वक्त में मेरे साथ चलना होगा। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मुझ पर। अधिकार अधिकार को मैं नहीं जानता, तुम मेरी हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। इतने दिन हो गए, अभी तक एक फोटो भी हाथ नहीं लगी। मैडम, अपन दो बार ट्राई किया, दो बार फ्लॉप हुआ, क्या करेगा? तुम्हारे लिए बहुत आसान है कह देना फ्लॉप हो गया, यहाँ तो जिंदगी और मौत का सवाल है। I'm sorry मैडम, अब अपन अपना लाइफ के साथ ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर मिस्टर पिंटो, तुम बम्बई भी वापस नहीं जा सकता। What do you mean? तुम अपन के साथ दादागिरी करता है? अरे भाई, हम तो बिजनेस का बात करता है। 2000 में अपन अपना जान नहीं दे सकता। भाई हम जान नहीं मांगता, फोटो मांगता है। 2000 की बजाय 5000 ले लो। ये हुआ ना बात, अब अपन डेफिनेटली प्रूव करेगा कि ईस्ट और वेस्ट पिंटो इज द बेस्ट। अब अगर सेठ जी पाताल में भी घुसेगा ना, तो अपन उनका फोटो लेके आएगा। ये मछली पकड़ना भी बड़ा बोरिंग काम है, अभी तक ये एक मछली भी नहीं लगी। अरे लगी क्यों नहीं, ये देखो। ये मछली है या मछली का अंडा? इतनी छोटी। डार्लिंग, पानी जरा ठंडा है ना, इसलिए जरा सुकड़ गई है। फ्राई पैन में डालोगी तो बड़ी हो जाएगी। लगे मछली। हाँ हाँ, वो
लिया हम, आ गई पकड़ लिया। कमाल है, मछलियां भी चढ़ने लग गई है। डार्लिंग यह मेरा दिल नहीं लगता, कहीं और चले। कहीं और चले तो चलो डार्लिंग स्विट्जरलैंड चलते हैं। स्विट्जरलैंड नहीं, वो बहुत दूर है, पहलगाम चलते हैं। पहलगाम चलते हैं। और मैडम अपन खाली पीली बंडली मारता, जो बोलता खाता है, ऐसा ऐसा फोटो खींचा कि बच्चा देखे जवान हो जाए, जवान देखे नौजवान हो जाए, और अगर ये बुढ़ा देखे तो तीर कमान हो जाए। ज्यादा बातें ना बनाओ, फोटो दिखाओ। ओल्ड मैन इनको जरा सूख तो जाने दो। पलिसिया? हाँ? अरे मालकिन आप यहाँ भी आ गई क्या? हाँ बलिसिया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मालकिन इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, नहीं मालकिन की तबीयत खराब हो गई है, उन्हीं के लिए नींबू लेकर जा रही हूँ, उन्हें उल्टियाँ आ रही हैं। क्या उल्टियाँ आ रही हैं? जी हाँ, लेडी डॉक्टर भी आई हुई है। क्या राम ही जाने क्या होने वाला है। कांग्रेचुलेशंस। यू शट अप। हेलो हेलो, जी बोल रहा हूँ। ओ भाभी जान, आधा वर्ष है भाभी जान, सब खैरियत है ना? खैरियत तो असलम भाई, शायद अब अगले जन्म में ही होगी। क्यों क्या हुआ, फोटो वगैरह तो मिल गई ना आपको? वो तो सब मिल गई, लेकिन यहाँ एक नया ही गुल खिल उठा है, बताते हुए भी शर्म आती है। शर्म आती है, ऐसी क्या बात हो गई भाभी, बताइए ना। क्या नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? ओ, अच्छी बात है भाभी। बलेसिया, ये हमारा कमरा है या वेटिंग रूम? किसकी इजाजत से अंदर आए हैं ये लोग? इजाजत गैरों के लिए होती है चरणदास, अपनों के लिए नहीं। अपनों को और गैरों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ असलम खान, मैं ये पूछता हूँ कि इजाजत के बगैर तुम आए क्यों? मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। कैसी मुबारकबाद? सुना है तुम्हारे यहाँ एक चिराग रोशन होने वाला है। आप उस चिराग को बुझाने आए हैं? नहीं, बल्कि ये बताने आया हूँ कि अगर ये चिराग रोशन हो गया तो उससे एक ऐसी आग भड़केगी जो तुम दोनों को जलाकर राख कर देगी। आप अपनी फिक्र कीजिए असलम साहब, हम दोनों के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। नादान न बनो लड़की, जो खेल तुम खेल रही हो वो बहुत खतरनाक है, तुम एक दिन तबाह हो जाओगी। उस दिन भी मदद के लिए मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप जा सकते हैं। तुम कौन होती है कहने वाली? मत भूलिए कि ये कमरा मेरा है। ओ, ये तो मैं भूल ही गया था कि आप सेठ चरणदास की मंजूर नजर हैं। असलम खान, आप चुप रहिए जी, जरा तमीज से बात कीजिए असलम साहब, आपने मुझे समझ क्या रखा है? वही जो कि तुम हो, मैं पूछता हूँ तुम चरणदास के बच्चे बजाए घर को बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? यही मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्यों मेरे घर को आबाद होने से पहले ही बर्बाद करने पर तुले हैं? इसलिए कि सेठ चरणदास एक इज्जतदार इंसान है, उसके दो बच्चे हैं और ये उसकी बीवी है। अगर ये सेठ चरणदास की बीवी है तो मैं भी चरणदास की कुछ हूँ। आओ डाले। भाई साहब। भाभी, अब बदालत के सवा और कोई चारा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड मिसेस चरणदास, फोटोग्राफ चाहिए थे, आप इत्मीनान रखिए सब ठीक हो जाएगा। इत्मीनान तो मुझे तब होगा वकील साहब, जब उस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। जब तक सेठ पागल साबित न हो जाए और सारी जायदाद मेरे नाम न हो जाए, मैं कैसे इत्मीनान से बैठ सकती हूँ? इसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरा केस तैयार करके मिस्टर टंडन के हवाले कर दिया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो सेठ चरणदास को यकीनन पागल साबित कर देंगे। कल अदालत में वही इस केस के पैरवी करेंगे। मिस्टर चरणदास, आपके खिलाफ ये इल्जाम है
कि आपने घर में ब्याहता बीवी और बच्चों के होते हुए गैर ताल्लुकात पैदा किए, उसके इश्क में पागल होकर बीवी और बच्चों को जायदाद से बेदखल करने का ऐलान किया, और अब आप उस औरत से अपने ताल्लुकात को जायज करार देने की कोशिश कर रहे हैं। चरणदास, आप अपने आप को कसूरवार मानते हैं? जी नहीं। मिस्टर चरणदास, आपने अपना कोई वकील मुकर्रर किया है? नहीं योर ऑनर, मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा। प्रोसीड मिस्टर टंडन। योर ऑनर, यह मुकदमा दिमाग से ताल्लुक रखने वाली एक खतरनाक बीमारी का है, जिसका सेठ चरणदास बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं। इस सिलसिले में मैं अदालत के सामने चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मेरा पहला गवाह है मिस्टर रामलाल। रामलाल वल्ड मदन लाल। मिस्टर रामलाल, आप सेठ चरणदास के सबसे पुराने मुलाजिम हैं। जी हाँ। क्या आप अदालत को उनके चाल चलन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बस इतना बता सकता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले इन्हें भगवान का दूसरा रूप समझा जाता था, और अब तो कहते हैं शर्म आती है, कभी कभी तो शक होता है कि ये सेठ जी वही है या उनके रूप में कोई और। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर ये वही सेठ जी होते जो कहा करते थे औरत ही घर की इज्जत होती है, औरत ही घर को सर बनाती है, तो अपने घर की औरत को दुखी बनाकर पराई औरत से इश्क न लड़ाते। मिस्टर रामलाल, सेठ जी ने जिंदगी में पहले भी कभी ऐसी हरकत की? ऐसा सोचना भी पाप होगा। ने पहले भी कभी शराब पी? जी वो शराब को दुनिया की सबसे बुरी चीज समझते थे। मिस्टर रामलाल, तो फिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि सेठ जी इतना बदल गए? कुछ समझ में नहीं आता, इन पर जरूर किसी ने जादू कर दिया है या पागल बना दिया है। पागल बना दिया है योर ऑनर, ये पोर्ट किया जाए, पागल बना दिया है। आप इस गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं, शुक्रिया योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर असलम खान को बुलाऊंगा। मिस्टर असलम खान। जी। आपकी और सेठ चरणदास की बहुत पुरानी दोस्ती है, और आप दोनों का आपस में भाइयों जैसा प्यार है, ये मैं जानता हूं। लेकिन इतने गहरे ताल्लुकात होने के बावजूद भी आप अदालत में इनके खिलाफ गवाही देने आए, क्यों? मैं इसके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं आया हूं वकील साहब, मैं तो इजहार अफसोस करने आया हूं। इजहार अफसोस? जी हां, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि यह मेरा भाई नहीं रहा, अफसोस इस बात का है कि यह अपनी बीवी का शौहर नहीं रहा, अपने बच्चों का बाप नहीं रहा। आपने इन्हें कभी समझाने की कोशिश की? जी हाँ, दो बार। क्या असर हुआ उन पर? उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मुझ पर जरूर हुआ। यानी? वकील साहब, पहली बार उसे समझाने गया तो मुझे यकीन हो गया कि वो अपनी समझ बूझ खो बैठा है, दूसरी बार उसे कश्मीर समझाने गया तो मुझे यकीन हो गया कि वो सुनने की ताकत भी खो बैठा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वकील साहब, इसकी वजह ये लड़की है। ये लड़की? जी हाँ, तन दर जमीन यानी औरत दौलत और जायदाद, इन तीनों में से एक चीज भी किसी को पागल बना देती है, लेकिन चरणदास तो इन तीनों का डसा हुआ है। मिस्टर खान, दौलत और जायदाद तो इनके पास पहले भी थी, उस वक्त तो ये ठीक थे। वकील साहब, इससे साफ जाहिर है कि इस लड़की के इश्क ने इसे पागल बना दिया। जुराना, इस लड़की के इश्क ने इन्हें पागल बना दिया है, ये पॉइंट नोट किया जाए। मिस्टर चरणदास, आपको कुछ पूछना है? जी नहीं जुराना, मुझे कुछ नहीं पूछना। प्रोसीड मिस्टर टंडन। जुराना, मेरा अगला गवाह है बलेसिया। बलेसिया, ये अदालत है, तुमसे यहां जो कुछ भी पूछा जाए उसका सच सच जवाब दोगी और घबराओगी नहीं। बिल्कुल फिक्र मत करो साहब, आप सिर्फ पूछो। क्या तुम सेठ चरणदास के यहाँ कब से नौकरी कर रही हो? बहुत बरस से साहब। कितने बरस से? ठहरो साहब, ये तो हिसाब करके बताना पड़ेगा। 24 बरस से काम कर रही हूँ साहब। क्या तुम्हारी उम्र क्या है? 22 बरस। 22 बरस की तुम अब हो और 24 बरस तुम्हें काम करते हुए हो गए हैं, ये कैसे? कैसे नहीं हुए साहब, जब मैं सेठ जी के पास काम करने के लिए आई थी मेरी उम्र 10 बरस की थी। क्या? जब तुम सेठ जी के यहाँ काम करने आई उस वक्त तुम्हारी उम्र थी 10 बरस।
और अब तुम हो 22 बरस की। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 12 बरस से तुम सेठ जी के यहाँ काम कर रही हो। तुम 24 कैसे कहती हो, बोलो जवाब दो। उस घर में दिन रात काम करना पड़ता था साहब, दिन में मालिक का, रात में मालकिन का, हो गया ना डबल। क्या नई मालकिन के आने के बाद घर में क्या क्या तब्दीलियां आई? बहुत सारी तब्दीलियां आई साहब। नंबर एक, घर में पार्टियां बिल्कुल बंद। नंबर दो, मालिक और मालकिन की बोलचाल बंद। नंबर तीन, सेठ जी का फैक्ट्री जाना बंद। नंबर चार, मेरा रातों को जागना बंद। क्या इसका मतलब ये हुआ, जो कुछ तुम्हारी नई मालकिन कहती थी सेठ जी वही करते थे? करते थे नहीं साहब, अब भी करते हैं। नई मालकिन को खुश रखने के लिए तो मालिक कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि सेठ जी नई मालकिन की कोई बात नहीं टालते? अगर नई मालकिन उन्हें कहें कि कुएं में कूद जाओ तो मालिक फौरन कूद जाएंगे साहब। क्या योर ऑनर, ये अल्फाज नोट किए जाएं, मालिक फौरन कूद जाएंगे। सेठ चरणदास जी, योर विटनेस। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं लाली को बुलाना चाहूंगा। आपका नाम? जिस नाम से आपने पुकारा है वही मेरा नाम है। पूरा नाम क्या है आपका? लाली। लाली क्या? क्या लगाना जरूरी है? कानूनी नुक्ता निगाह से बहुत जरूरी है, और खुसूसन एक औरत के लिए। तो मेरा नाम लाली भारती है। भारती आपके पति का सरनेम है या आपके पिताजी का? किसी का भी नहीं। तो फिर ये लफ्ज भारती आपने अपने नाम के साथ कैसे लगा लिया? भारत की रहने वाली हूँ, इसलिए अपने आपको भारती कहती हूँ। आप सेठ चरणदास को जानती हैं? अच्छी तरह से। कब से जानती हैं आप उनको? कुछ महीनों से। आप उनके घर में उनकी मेहमान बनकर रही? जी हाँ। उनके साथ कश्मीर सैर करने भी गई? अकेली? जी हाँ। एक ही होटल में, एक ही कमरे में उनके साथ रही? जी हाँ। आई सी। ये तस्वीर आप दोनों की है? जी हाँ। और ये? जी हाँ। और श्रीनगर के मैटरनिटी होम से निकलते हुए ये आप दोनों हैं? जी हाँ। वेरी गुड। लाली भारती, अब आखिरी सवाल, क्या आप शादीशुदा हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? ये मेरा जाती मामला है। आपके जाती मामले का इस मुकदमे से गहरा ताल्लुक है, इसलिए आपको बताना ही होगा, क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो सेठ चरणदास से आपका क्या रिश्ता है? बोलिए, जवाब दीजिए, सेठ चरणदास से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे लिए परमेश्वर का रूप है। गौर किया जाए योर ऑनर, ये देवी शादीशुदा है लेकिन फिर भी ये कहती है कि सेठ चरणदास इनके लिए परमेश्वर का रूप है। जुराना, भारतीय नारी सिर्फ एक ही आदमी को अपना परमेश्वर मानती है, वो होता है उसका पति। मिस्टर चरणदास, आप इस गवाह से कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं, थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इन सब गवाहों के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि सेठ चरणदास लाली के इश्क में पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं, और जो कुछ भी इन्होंने किया है दीवानगी में किया है, पागलपन में किया है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि सेठ चरणदास को पागल करार दिया जाए और उनकी सारी जायदाद और दौलत उनकी बीवी और बच्चों के नाम कर दी जाए। थैंक यू। मिस्टर चरणदास, जो कुछ अपने बचाव में आप कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने बयान कीजिए। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ कहूं, मैं मिसेस चरणदास से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। मिसेस चरणदास, आपको कोई इतराज है? जी नहीं। आपका नाम? कमला चरणदास। आपके पति का नाम? बताइए, आपके पति का क्या नाम है? चरणदास। कौन सा चरणदास? वो नीली वर्दी वाला मैकेनिक चरणदास या करोड़पति सेठ चरणदास? ये आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मेरे लिए दोनों एक हैं। दोनों तो मैं आपके लिए कौन हूं?
बताइए ना, मैं आपके लिए कौन हूँ? मेरे पति। अभी आपके वकील साहब ने कहा है कि भारतीय नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, क्या आप भी इस बात को मानती हैं? जी हाँ। तो फिर बताइए कि आपने कब तक अपने पति को परमेश्वर माना? बताइए ना, आपने कब तक अपने पति को परमेश्वर माना? और आज भी मानती हूँ। तो फिर उस परमेश्वर को एक तमाशा बनाकर आज आप इस अदालत में क्यों लाई? मिसेज चरणदास, आप ये क्यों नहीं कहती कि आपकी निगाहों में पति परमेश्वर की कोई कीमत नहीं? आप ये क्यों नहीं कहती कि पति नाम की चीज से आपका विश्वास उठ चुका है? आप ये क्यों नहीं कहती कि आपका पति मर चुका है? ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। चलिए मान लिया कि आप मुझे अपना पति समझती हैं, तो फिर ये बताइए कि आपके पति का जन्मदिन कब है? जी? क्या आप बता सकती हैं कि मेरा जन्मदिन कब है? कई बरसों से आपने मनाया नहीं, तो याद कैसे रहेगा? आपको अपने कुत्ते का जन्मदिन याद रह सकता है, मगर अपने पति का नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए कि जब मैं इस लड़की को लेकर घर आया तो आपने कभी मुझसे ये पूछा कि ये कौन है? जी नहीं। आपने कभी मुझसे ये पूछा कि आधी आधी रात को शराब पीकर मैं इसके साथ क्यों नाचता हूँ? जी नहीं। क्यों नहीं पूछा? मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। क्यों नहीं समझी, जवाब दीजिए। क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि आप उस लड़की का साथ देंगे, हमारा नहीं। ओ, तो इस डर से भागी भागी आप वकीलों के यहाँ पहुँची मुझे पागल साबित करने के लिए। फोटो हासिल करने के लिए आप लोग कश्मीर में साय की तरह हमारा पीछा करते रहे, मुझे पागल साबित करने के लिए। मेरे जिगरी दोस्त असलम को आपने कश्मीर में बुलाया ताकि उसको भी ये यकीन हो जाए कि मैं पागल हो चुका हूँ। मिसेज चरणदास, आपने अदालत में अपने परमेश्वर को बुलाकर उसका मुंह तो काला किया है, मगर किस लिए? उसकी दौलत के लिए। मिसेज चरणदास, दौलत ही आपका परमेश्वर है, दौलत ही आपकी जिंदगी है, दौलत ने आपको पागल बना डाला है। पागल मैं नहीं हूँ, पागल आप है। आपको उस डायन ने पागल बना दिया है, उस डायन ने मेरा पति मुझसे छीन लिया है। खामोश! अगर उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारा गला घोट। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेठ चरणदास से कहा जाए कि वो इस तरह के पागलाना बर्ताव से अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मिस्टर चरणदास, आपको आगाह किया जाता है कि आपने दोबारा इस किस्म की हरकत की तो अदालत आपके साथ सख्ती से पेश आएगी। मैं माफी चाहता हूँ जज साहब, जज्बात के जोश में आकर मैं अपने आप को काबू में न रख सका। मुझे कुछ नहीं पूछना, अब किसी से कुछ नहीं पूछना, लेकिन अब मुझे सेठ चरणदास से बहुत कुछ पूछना है योर ऑनर, और मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर चरणदास, दुनिया आपको चरणदास इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक की हैसियत से जानती है, क्या ये सच है? हाँ। और क्या यह भी सच है कि आपने जिंदगी में इतना पैसा कमाया है कि शायद ही किसी दूसरे इंसान को नसीब हो? हाँ, सच है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका वो सारा पैसा, आपकी सारी जायदाद, आपकी सारी इंडस्ट्रियल एम्पायर आज कहाँ है? मेरे पास नहीं है वकील साहब, आज उस पर मेरा कोई हक नहीं। क्योंकि मिस्टर चरणदास, आपने वो सारा पैसा, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी इंडस्ट्रियल एम्पायर किसी दूसरे के नाम पे कर दी है, क्या ये भी सच है? जी हाँ, सच है। इसकी वजह यह है मिस्टर चरणदास कि आपको ये डर था कि कहीं आपके बीवी और बच्चे आपकी इस आलीशान पूंजी को हड़प न कर लें, इसलिए आपने एक ही झटके में अपने बीवी और बच्चों को उनके हक से महरूम कर दिया। मिस्टर चरणदास, ये पागलपन नहीं और क्या है? नहीं नहीं वकील साहब, ये पागलपन नहीं है। कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चों की खुशियां नहीं देखना चाहता? कौन ऐसा पति है जो अपनी बीवी को सुखी नहीं बनाना चाहता? वकील साहब, कभी मुझे भी ये सब कुछ हासिल था, मेरा भी एक छोटा सा घर था जिसे मेरे बीवी बच्चों ने स्वर्ग बना रखा था मेरे लिए, लेकिन मेरी दौलत हमारी खुशियों के बीच में दीवार बनकर आ गई और उस दौलत ने मेरे छोटे से स्वर्ग को नर्क बना दिया। दौलत के नशे में मेरे बीवी बच्चे मुझे भूल गए और मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला रह गया। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए आप खुद तो अय्याशियों में मसरूफ हो गए, लेकिन आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपके बीवी और बच्चों का क्या होगा। मिस्टर चरणदास, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का लहू चूसा है, अपनी बीवी का गला घोटा है। नहीं वकील साहब, ये गलत है, ये झूठ है।
दौलत के नशे में मेरे बीवी बच्चे इंसानियत को भूल गए, बच्चे बाप को भूल गए, बीवी पति को भूल गई। ये लोग बर्बादी के रास्ते पर इतनी दूर जा चुके थे वकील साहब, जहां से इनको वापस लाना मेरे लिए नामुमकिन था, और इसकी वजह थी मेरी दौलत। वकील साहब, जब इंसान के पास जरूर से ज्यादा दौलत आ जाती है तो जहर बन जाती है, और उस सारे के सारे जहर को बड़ी खूबसूरती से घोल के आपने किसी और को पिला दिया। मिस्टर चरणदास, क्या अदालत को यह बता सकते हैं कि आपकी सारी दौलत, जायदाद, आपकी इंडस्ट्रियल एम्पायर आज किसके नाम पे है? वकील साहब, ये जानकर सबसे ज्यादा ताज्जुब आप ही को होगा। आज मैं बताऊंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा कि मैंने अपनी दौलत का क्या किया। लाली, योर ऑनर, ये कागजात मुलाहजा हूं। इन कागजात के मुताबिक मैंने अपनी तमाम मिलें, कारखाने और फैक्ट्रियां एक ट्रस्ट के हवाले कर दी हैं, जिसकी रूह से चरणदास इंडस्ट्रीज का हर वर्कर उसका पार्टनर होगा। योर ऑनर, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो इंसान अपनी रोटी खुद कमा कर नहीं खा सकता, उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, भले वो मेरी बीवी हो, भले वो मेरे बच्चे हो। बहुत खूब मिस्टर चरणदास, बहुत खूब। आपने ऐसी चाल चली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा चालबाज भी आपके कदम चूम ले। इस नेक काम के बाद दुनिया वालों की नजरों में आप एक महान हस्ती होंगे, लोग आपकी जय जयकार के नारे लगाएंगे, और उन नारों की गूंज में आपकी बीवी और बच्चों की सिसकियां दम तोड़ देंगी, और इस लड़की की आगोश में सर रखकर जिंदगी भर आप अपनी हवस की प्यास बुझाते रहेंगे। ऐसी गंदी बात कभी मैंने सोची भी नहीं। मिस्टर चरणदास, तुम सोचते नहीं हो, तुम करते हो। तुम सिर्फ पागल ही नहीं हो, बल्कि पाखंडी हो, जालिम हो। वकील साहब, खामोश हो जाओ। इस लड़की को अपने घर में बुलाकर तुमने अपनी बीवी और बच्चों की इसके सामने बेइज्जती की, ये पागलपन नहीं था और क्या है? मेरी तरह वो भी दुखी थी वकील साहब, और उसका दुख दूर करने के लिए तुमने मिलकर उससे शराब पी। मैंने आज तक कभी शराब को छुआ तक नहीं। कश्मीर की वादियों में उसके हाथ में हाथ डालकर तुमने गाने गाए, नाचे, एक ही होटल में, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। वकील साहब, भगवान के लिए लाली के बारे में ऐसा मत कहिए। लाली देवी है, देवी है वकील साहब। एक बिस्तर पर तो क्या, हम कभी एक कमरे में भी इकट्ठे नहीं सोए। हमेशा बिलेसिया उसके साथ सोती थी और मैं दूसरे कमरे में। मैंने बिलेसिया से जो कुछ कहा बेचारी ने वही किया। मैं बिलेसिया का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वकील साहब, मैं सच कहता हूँ कि लाली गंगा जल की तरह पवित्र है। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वकील साहब, मेरी बेटी है। वकील साहब, हम दोनों मिलकर अपना अपना घाट ढूंढ रहे थे। उसको अपने पति की तलाश थी और मुझे अपने परिवार की। हम दोनों के बीच में एक माहदा हुआ, एक समझौता हुआ कि वो मुझे मेरा परिवार वापस ला दे, मैं उसका पति उसको वापस ला दूंगा। आज तक हमने जो कुछ किया वकील साहब, वो सब नाटक था, दिखावा था, झूठ था। उसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए वकील साहब सिवाय अपने परिवार के। मुझे मेरा परिवार चाहिए। मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ कि उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे मेरा परिवार चाहिए वकील साहब, और लाली को उसका पति। लाली देवी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। तुम झूठ बोलते हो, वो तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है। तुम अपने गुनाहों को छुपा रहे हो। तुम पागल हो। वकील साहब, ये केस वापस ले लो। मुझे केस नहीं लड़ना, ये केस वापस ले लो वकील साहब। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। योर ऑनर, केस तो खत्म हो गया। यस मिस्टर टंडन, केस इज डिसमिस। चरणदास मेरे भाई। मालिक रामलाल। लाली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहानी फूलों की महक है, बहारों की जवानी नगमा।